यहाँ पे आप देख सकते हो हम पहुँच चुके हैं म्यूजियम में, जिसका आर्किटेक्चर भी काफ़ी ज़बरदस्त सा है। एंड इस साइड पे फिर जुनेद हमें मिल चुके हैं। तो जुनेद कैसा चल रहा है अभी तक? अभी तक अच्छा चल रहा है, आराम से आए हैं। ज़बरदस्त हो गया। अस्सलाम वालेकुम। और अब हम म्यूज़ियम के अंदर आ चुके हैं, म्यूज़ियम की हिस्ट्री वगैरह ईच एंड एवरीथिंग आपके साथ शेयर करेंगे आगे चलते जाते हैं। और ये भी और एक्सप्लोर करने वाली जगहें हैं, ज़बरदस्त हैं, ये देखें सारी चीज़ें। अब इसकी डिटेल क्या क्या है वो सब चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। ये एक कबीला है ओड, ठीक है। ये इनका रहन सहन, ज़रिए मुआज, अभी भी इंटीरियर में कुछ लोग हैं जो ये काम करते हैं। ये वॉल्स है, बाहर की जो बड़ी बड़ी दीवारें बनती हैं, ठीक है, आगे इसी से काम करते हैं। ये भी सेम है? नहीं, ये कोली है, ओके, दे बिलोंग फ्रॉम सर उमरकोट साइड। ये उनका रहन सहन, ये उनके घर का स्टाइल है। अच्छा, जैसा जिसे हम चौरा बोलते हैं। ओके, चौरा बोलते हैं, चौरा, ठीक है जी। आगे ये कुछ खत्थे खेस हैं जो सर्दी में ओढ़ने के काम, और ये पूरा हैंडमेड। सही सही सही। अच्छा जी, आगे ऐसे ये एक हिंदू कम्युनिटी है, ठीक है, जो इनकेस पे वक्त बिजनेस करते थे, लेन देन, लिखना वगैरह सारे हिसाब का, मतलब पैसे जो ब्याज पे देते थे इंटरेस्ट पे, वो ऐसे ही ये इनका रहन सहन, खाना, घर का स्टाइल, ये वो अपने मज़हब के हिसाब से वो पिक्चर वगैरह लगी, ठीक है। आगे ऐसे ये जो भी कबीला है जिनका जरिए माश, ये सपेरा, अच्छा अच्छा, जोगी कबीला, जोगी कबीला, ठीक है, सही है। ये एक जत कबीला है, ये भी सिंध से बिलोंग करता है, माल बर्दारी कुछ ज़मीनों से उठा के फैक्ट्रियों तक, घरों तक कोई चीज़ें पहुंचाना लेना। अच्छा, बेसिकली ऊँट के ऊपर रखा है, ऊपर। अच्छा, तो पाखड़ा, क्या कहते हैं, पाखड़ा, पाखड़ा, ठीक हो गया। ऐसे ये मेमन कम्युनिटी है, सही, इनको हम कोरी भी बोलते हैं। मेमन दो तीन यानी उनकी ब्रांचेस निकली, जैसे काठियावाड़ी हो गए, मेमन ऐसे। ये हमारी लुंगी है। क्या है? लुंगी। अच्छा, लुंगी वो पहनते जो पहनते हैं। इस वक्त वो एक मफरल टाइप आ गई है, ठीक है, तब ये क्योंकि इसकी वेर्थ और दोनों साइड है। ऐसे ये शेदी कबीला है, शेदी बेसिकली अफ्रीकन, इसको कराची में ठट्टे में ज़्यादा थे। ये इनका जरिए माश है, मुकरबान बजाना, और ये रहन सहन। सही है, आगे ऐसे ही है थरी हाउस दिखाया हमने, थरी हाउस, थरी हाउस, इनमें भी लेवल्स हैं, अपर लोअर मिडिल क्लास। ये थोड़ा अपर लेवल का घर है, लांडी चलता है। हाँ, लांडी, लांडी नहीं, घर ही है। अच्छा, घर ही है, घर रहा है, पर मतलब एक हेठ ही जात होंगी, गरीब तबको, सेकेंड तबको, पर हाँ, पर ही सुठो तबको पढ़े। अच्छा, ये एक चीप इसे कहते हैं, ये जानवर की खाल से बना हुआ एक मटके टाइप चीप है। पानी वगैरह नहीं, इसमें जैसे शहद हुआ, ओके, और बटर हुआ, ये स्टॉक करने के, प्रिजर्व कर, ओके, ठीक, प्रिजर्व और स्टॉक, ओके। ये हमारी कल्चरल दिल्लियाँ हैं, पूरी प्योरली हैंडमेड है, ठीक है। इस वक्त सारा मशीन पे काम चला गया है, ये हैंडमेड, ये हैंडमेड, ओके। जैसे ये है, ये शटल को आप अंग्रेजी में और हिंदी में हम बुरका बोलते हैं, आज भी एग्जिस्ट करता है हमारी, बिल्कुल, हमारी इंटीरियर में, ठीक हो गया। ऐसे कुछ ये मुस्लिम कुमों की रलियाँ हैं, ठीक है, क्या है ये, रली, रली, रली है, ये भी रली है, ओके। ये जोगी रली है, कबीला जोगी है, उसकी रली है, ये इतना बारीक पीनी है इसमें, और आप इसको थोड़ा का बना हुआ, हाँ, थोड़ा आप क्लोज करके ये चीज़ देखोगे, ये स्नेह की खाल है। अच्छा, ठीक है, इस हिसाब से इसको जोगी रली का नाम दिया गया। चले, ठीक, चलो जी, आगे चलते जाते हैं। इस पूरा कल्चरल हिसाब से सारा बनाया हुआ है, सेटअप किया हुआ है, घर के जैसे माहौल है, ईच एंड एवरीथिंग। ये एक शादी का मंजर है। अच्छा अच्छा, ये इंटीरियर में आज भी ऐसे शादी होती है, ओके। ये सहन है। अच्छा, ये, कोई उसकी रस्म वगैरह, ये सहन है, और ये सुबह का फजर का टाइम है, ओके। और इसके बाद दो तीन रस्में हैं, ठीक है, और बाद में ये रुखसती का, ठीक, टाइम है। लाऊं ऐं चांवर जो ॾियण वठण, ओके, हा, जेके रस्म आहे, ओके। अच्छा जी, अब आगे जा रहे हैं, आगे की साइड पे भी देखते हैं क्या चीज़ें हैं। बड़े ज़बरदस्त है यहाँ पे एटमॉस्फेयर बना हुआ है, और सारी चीज़ें जो है ना ज़बरदस्त ज़बरदस्त से कल्चर कबीले सब चीज़ें यहाँ पे चल रही है। अच्छा जी, ज्वेलरी है डिफरेंट, आप पूरा इसको घूम के, सही, ये ज्वेलरी इस वक्त भी
पहनी जाती है। ये सारी ओरिजिनल ज्वेलरी है, पूरी ओरिजिनल। अच्छा, ये क्या चांदी की बनी हुई? चांदी की बनी हुई। ओके, चांदी की बनी हुई। आप कर सकती हैं, आप बड़ी है, बड़ी हूँ। चोरी की जा सकती है, अलार्म बज जाएगा। चले जी, आगे किधर जा रहे हैं? छोटी ओके, छोटी ये भी ज्वेलरी। ओके, जिसमें ये कुछ तावीज़ हैं, जिसमें तावीज़ वो बहन करके रखते थे। सही है, ये एक बॉक्स है जो नॉन मुस्लिम स्पेशली शादियों के मौके पे सिंदूर के लिए यूज करते थे। ये कुछ अंगूठियाँ हैं, ठीक है, ये ब्रेसलेट है, ठीक है, सारा ये भी हैंडमेड ही हो, ये पूरा हैंडमेड है और चांदी का है। वाह क्या बात। और इस वक्त भी एग्जिस्ट ये माथे का टीका। सर हमने इतनी बातें कर ली, आपका नाम क्या? जाहिद अली। जाहिद अली, चलिए जी आगे चलते हैं। और इस साइड पे भी कुछ कल्चरल हाँ, भी चल रहा है? नहीं, ये हमारा प्रोमिनेंट पर्सनालिटी ज्वेलरी है। ओके ओके, जी सिंध से बिलोंग जितनी भी शख्सियत है जिनका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। पहले ये हमारे आर्टिस्ट शायर हैं, ओके, ठीक है, सर मुर्तजा शाह डाडा ही साहब, ठीक है, सदारती याफ्ता है, ठीक है, ऐसे ढोल फकीर है, ठीक है, शेख अयाज, अब्दुल लतीफ भिंडई के बाद दूसरा नाम, दूसरा बड़ा नाम ओके शायरी में, पोइट्री में, शेख अयाज। शेख अयाज सही। कुछ अहले मदहब से ताल्लुक रखने वाले लोग, ये हमारे वाइस चांसलर भी रह चुके हैं। अच्छा अच्छा, ये रिसेंटली हमारी वाइस चांसलर साहब आती ड्यूरिंग जॉब, इसकी डेथ हुई थी। ओके ठीक है। अच्छा, इनके सारे मेडल वगैरह 16 में, ये इसकी फैमिली फोटो है। ओके, ये अवार्ड उसको, ये एक एजुकेशनिस्ट है अबर शम्स अब्बासी। ओके चलिए, अब आगे पॉलिटिशियन। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है जी, जान साकी, ठीक है जी, प्रोफेसर ए आर नागोरी, आर्टिस्ट, फाइन आर्ट डिपार्टमेंट की जो यहाँ है सिंध यूनिवर्सिटी में ईजाद हुआ था वो उसने रखा, ये कुछ राइटर्स हैं हमारे। ओके अच्छा जी, ये टी वी आर्टिस्ट शहबाज दुर्रानी, ठीक, ये एक राइटर हैं अली बाबा, ठीक, ये लॉयर भी हैं और जर्नलिस्ट भी हैं बहुत सारे ऐसे। ये कमर भगत राम, उसका स्कल्पचर है कि पूरी डिटेल लिखी हुई है। सही, आगे ऐसे ये दो। अच्छा, ये अच्छी बात है, आप पूरी हिस्ट्री में बताते जा रहे हैं ताकि जो लोग वीडियो देखें। हसन दर्स नौजवान शायर थे। सही, ऐसे ही एक राइटर है। अच्छा, थे मतलब अभी? हाँ, ओके, मोस्टली यहाँ पे जितने भी हैं हाँ, ये प्रोमिनेंट पर्सनलिटी यानी मशायर जो हाँ, फोर्थ हो गए। अच्छा अच्छा, ठीक ओके, कोई फोटोग्राफर लग रहे हैं। अली अंसारी ब्यूरोक्रेट भी थे और साथ साथ उसके दूसरे भी, ये चीजें भी उनकी यादगार हैं, ये आम यूज की थी, आम के यूज की थी, ठीक ठीक। और ये जो बुक्स आप देख रहे हैं इस वक्त भी इसकी पूरी फैमिली यानी इसके बेटे, इसकी बहू, सब राइटर्स हैं, लिखने पढ़ने से उनका ताल्लुक है। ऐसे ये बुलबुल साहब है, ये भी शायर जर्नलिस्ट, ठीक हो गया, पाकिस्तान कौमी तराने की जो धुन बनी थी ओके अहमद अली छागला साहब ने बनाई थी इस हारमोनियम पे, इसी पे बनी, इसी पे बनी थी ये चीज़ है ना, क्या बात है। और ये उनकी तस्वीर है, छागला साहब की तस्वीर, ओके ज़बरदस्त हो गया। चलो जी, ये एक हिस्ट्री का एक है जो लोगों को ज़्यादा पता भी नहीं होगा। ये हमारे पहले इदारे के इस यूनिवर्सिटी के फाउंडर्स में शुमार होते हैं, अल्लामा आया काजी वाइस चांसलर भी रहे, ठीक है, ये इब्राहिम जोयो साहब, ये भी बड़ा नाम, 100 साल इसने अपनी उम्र पूरी की, माशाल्लाह, ठीक है, हसन अली अफंदी, ओके ज़बरदस्त, मोहम्मद उस्मान लीपलाई, ये भी सारी बड़ी बड़ी शख्सियत, बड़ी बड़ी शख्सियत, ठीक है ओके जी आगे चलते। ये सामदीन राष्ट्रीय साहब, ठीक है, ये गुलाम मुस्तफा शाह, ये हमारे वाइस चांसलर भी रह चुके हैं, ठीक है, जी एम सैयद, जी एम सैयद, सही सही सही, जितनी भी किताबें हैं सब कुछ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, और आगे चलते हैं। अच्छा, ये अच्छा, पहला सिंधी टाइपराइटर। अच्छा, सिंधी टाइपराइटर, सिंधी लिखने के लिए, सिंधी लिखने। अच्छा, वैसे तो मैंने देखे भी नहीं आज, मैंने पहली बार देखा है, चल ज़बरदस्त हो गया यार, क्या बात है। अच्छा जी, आगे भी चलते जाते हैं। डॉक्टर एन ए बलोच, नबी बख्श बलोच साहब, ओके, इसके नाम से ये हमारे वाइस चांसलर, ओके, और जो फाउंडिंग हुई थी तो ये ज़मीन पे। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल बुनियाद डली, बुनियाद डली थी, क्या बड़ी बड़ी बेहतरीन। जरीना बलोच, सिंधी आर्टिस्ट, गायिका, सिंगर, शमशेर हैदरी, ज़बरदस्त, कमर शहबाज, रामशंकर दीलानी, इन लोगों की
किसी न किसी हवाले से कोई ना कोई ये हमारे सिंथोलॉजी के फाउंडर्स में इनका शुमार होता है, डॉक्टर गुलाम अली अलाना साहब यहाँ के डायरेक्टर भी रहे, यहाँ के वाइस चांसलर भी रहे, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के भी वाइस चांसलर, ये सेनेटर अब्दुल हमीद जतोई, सेनेटर एजाज जतोई जो इस वक्त करते हैं, पॉलिटिशियन लियाकत जतोई के वाले साहब और भाई, ये सेक्रेटरी एजुकेशन भी रह चुके हैं सैयद पनाह अली शाह, ये उसका शौक था, स्पून कलेक्टर, स्पून कलेक्शन उसका शौक था, वर्ल्ड और जहाँ जहाँ भी गया वहाँ से उसने एक एक स्पून कलेक्ट किया, और इन पे प्रॉपर इनके वहाँ के मुल्कों के स्टैम्प्स या वहाँ के लोगोज ऐसे, ये एम एस पावर साहब बड़ा इसका काम है एग्रीकल्चर पे, बड़ा काम है, ठीक है जी। ओके ये सारी चीज़ें तो हमने दिखा दी, अब आगे भी चीज़ें देखते जाते हैं और आपके साथ शेयर करेंगे इसी ब्लॉग के अंदर, तो बने रहें हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम चाचा, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, कैसे हैं, क्या नाम है? अल्हम्दुलिल्लाह मकसूद। कौन सी कुल्फी दे रहे हैं सर? दूधी कुल्फी। निकाले जरा, एक निकाले, तैयार करें इसको। क्या बात है, क्या बात है, और इसके ऊपर क्या क्या लगेगा? चॉकलेट लगेगा, खोपरा लगेगा, खोपरा भी लगेगा। गर्मी के अंदर जो है ना मजा ही कुछ और हो जाएगा। गर्मी का दुश्मन है कुल्फी। अब क्या खोपरा? ओ भाई साहब, खोपरे वाली कुल्फी और दूध मलाई मक्खन वाली। हाँ, और ये देखो भाई, अब इस कुल्फी भी हम ट्राई करें जो, और हमारी टीम जा रही है, इससे पहले टीम चली जाए, आपको पैसे दे दिए? जी जी, पक्की बात है। चलो फिर आगे चलते हैं कुल्फी ट्राई करते हुए। हाँ भाई, ये भी हमारे दोस्त हैं, जबरदस्त बेहतरीन कुल्फी बनी है, बाप कहते। ओहो, और मजा ये आ गया। ओहो, मज़ा आ गया वाकई में, इतनी गर्मी में इतनी ठंडी कुल्फी। हाँ वाकई, और ये सब लोग अब बैठने जा रहे हैं गाड़ी के अंदर, नेक्स्ट जैसे जामशोरों की साइड पर जा रहे हैं, वहाँ पे ज़्यादा होने वाला हो गए। ये देखे भाई, तम्बारा ट्रैवल एंड टूर, हमारी बस निकलने जा रही है, चाचा भी सलाम कर रहे हैं और हम जा रहे हैं बस पर बैठने।